सभी का सवाल होता है कि सर हम एसलीपीसी क्यों करें, एसलीपीसी करना जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे काम है। फिर से एक बात लिखिए आप, फिर से ध्यान से एक बार पढ़िए इसको, आखिर AWPLE क्यों करें? काम तो बहुत है मार्केट में, हाँ है ना? काम की कमी है क्या मार्केट में? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या इस दुनिया में बेरोजगारी है? है? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि बेरोजगारी है? सहमत हो, मेरी बात से सहमत हो जाओ। कितने लोग हैं जो बेरोजगारी है, बोलते कि बेरोजगारी है? आप सारे सहमत हैं? आप सारे झूठ बोल रहे हो। मैं प्रूव कर सकता हूं कि आप सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी खड़ा हो जाए जिसको लगता है कि बेरोजगारी बहुत है, एक भी बेरोजगारी है? बोलो हाँ है ना? लेकिन कुछ हम बात करेंगे ना, बात समझ में आएगी, है ना? बेरोजगारी है। आपके इलाहाबाद में फैक्ट्री है? लखनऊ में फैक्ट्री है? दिल्ली में फैक्ट्री है? नोएडा में फैक्ट्री है? कानपुर में फैक्ट्री है? हर फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ है हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, हाँ ना? बेरोजगारी कहाँ? बेरोजगारी सर नौकरी ढूंढ रहे हैं और क्या, सरकारी नौकरी। बेरोजगारी कहाँ बताइए ना, कहाँ बेरोजगारी, कहाँ है बेरोजगारी? इस दुनिया में बेरोजगारी नहीं है, करने वालों की कमी है, हाँ है ना? करने वालों की कमी है, बेरोजगारी नहीं, करने वालों की कमी है। लोग अपने स्टैंडर्ड का काम ढूंढते हैं, लोग अपने स्टैंडर्ड का काम ढूंढते हैं। बेरोजगारी कहाँ है? अरे बेरोजगारी तो तब होती है जो कोई फैक्ट्री बंद कर दे कि हमारे रिक्वायरमेंट ही खत्म है। हर फैक्ट्री के बाहर जाओ वहां पर लिखा हुआ है, आपके इलाहाबाद के अंदर बहुत सारे शोरूम है जिनके बाहर लिखा हुआ है गेट पे कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों की आवश्यकता है, है ना? है नहीं है? कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहीं नहीं, करने वालों की कमी है, है ना? आदमी जब कोई काम करना चाहता है ना, तो वो ये नहीं देखता काम छोटा है या बड़ा है, उसको कोई भी काम पसंद आता है उसको वो कर लेता है, अगर वो काम उसकी जिंदगी का आखिरी काम बन जाता है तो, है ना? नहीं नहीं सर, कुछ बातों को समझते हैं। लोग बोलते हैं सर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। देखिए सवाल है मेरा आपसे, आखिर AWPLE क्यों करें? काम तो बहुत है मार्केट में। देखिए पैसे कमाने के रास्ते ना मार्केट में अनगिनत है, अनलिमिटेड है पैसे कमाने के रास्ते। कोई भी आदमी भूखा नहीं मर सकता, पैसे कमाने के रास्ते अनलिमिटेड है मार्केट में। जो ये बोलता है ना कि सर मुझे पैसे कमाने का रास्ता नहीं, वो महान निकम्मा आदमी है। पैसे कमाने के रास्ते बहुत हैं। कौन कौन से पैसे कमाने के रास्ते हैं देखते हैं। नेक्स्ट, रिक्शा चला के पैसा कमा जा सकता है, हाँ है ना? अगर बेरोजगारी है, आदमी को ऐसा लगता है बेरोजगारी है, तो भाई रिक्शा चला ले, रिक्शा चला के भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन रिक्शा चलाने को वो ये समझता है कि ये काम मेरे लिए बेकार है, हाँ है ना? ये काम मेरे लिए बेकार है, मेरे स्टेटस के खिलाफ है। अरे वो स्टेटस क्या करेगा जो तो भूखा मर रहा है, उससे तो बढ़िया है कि पेट भर, क्योंकि काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया, आज भी सुबह सुबह भी कॉल आया, ऐसे कॉल मेरे पास आए दिन आते रहते हैं। उसने बोला कि सर मैं जिस कंपनी में कर रहा था वो कंपनी बेकार है, एसलीपीएस अच्छी है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी बेकार है, एसलीपीएस अच्छी है। तो मैंने उसको एक सवाल का, उसके सवाल का एक जवाब दिया, इस हिंदुस्तान में ना तो कोई कंपनी अच्छी है, इस हिंदुस्तान में ना कोई कंपनी बुरी है। जिस कंपनी में जिसको जो सेट हो जाए वो कंपनी उसके लिए अच्छी होती है, जिस कंपनी में जो सेट ना हो पाए उसके लिए वो कंपनी बेकार होती है, है ना?